ए बात तो यहाँ पर सभी जानते हैं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में दो टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला समाप्त हो चुका है। पहला मुकाबला में जहाँ 3 दिन के खेल की अंतरी है, इंडिया ने उस मुकाबला को बड़ी आसानी से जीत लिया है। आइए जानते हैं, टीम इंडिया ने जीता है 141 रन पर। वेस्ट इंडीज ने पहला इनिंग्स में 150 रन बनाया। वेस्ट इंडीज के एलेक अथानाजे 99 बॉल पर 47 रन बनाए। क्राइग ब्रैथवाइट ने सिर्फ 20 रन बनाए। भारत ने फर्स्ट इनिंग्स में 421 रन बनाया 5 विकेट हराकर, और वेस्ट इंडीज ने सेकंड इनिंग्स में 130 रन बनाया। एलेक अथानाजे 24 रन 44 पर बनाए। जेसन होल्डर 50 बॉल पर 20 रन बनाए। आइए जानते हैं टीम इंडिया ने कैसे यह मैच आसानी से जीता है। टीम इंडिया के दो ओपनर बैट्समैन जयसवाल और रोहित शर्मा ने वेस्ट इंडीज को धो डाला। जयसवाल ने अपने डेब्यू मैच में 171 रन बनाए। जयसवाल दिब्बी मैच में सर्वाधिक रन बनाने की खिलाड़ियों की सूची में 3 नंबर पर अपने जगह बना लिए। जयसवाल 171 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा 103 रन बनाए। एस गिले 6 रन बनाए। यह मैच में रहने कुछ अच्छे खेल नहीं खेल पाए। रहाणे ने सिर्फ 2 रन बनाए। गिल और रहाणे विकेट लेने के बाद वेस्ट इंडीज के मनोबल उच्च था, लेकिन जडेजा और विराट कोहली ने साझेदारी करे। कोहली ने एलेक अथानाजे के द्वारा कैच आउट हो गए। विराट ने 76 रन बनाए। उसके बाद में जडेजा और ईशान किशन केवल कुछ रन किए और परी को डिक्लेयर कर दिया गया 431 रन 5 विकेट नुकसान पर। अश्विनी 7 विकेट लेते हैं। रविंद्र जडेजा 2 विकेट लेते हैं। मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिलता है और यह मैच खत्म हो गया। अश्विनी की टेस्ट करियर में यह 8वां मौका रहा जब वह उन्होंने एक मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट लिए। अश्विनी ने ये 7 विकेट लेकर अनिल कुंबले के बराबर हो गए। अश्विनी वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच की दोनों पारी में 5 विकेट हाल लेने वाले पहला भारतीय गेंदबाज बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। हमारा वीडियो आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हम जब क्रिकेट की रिलेटेड वीडियो डालेंगे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा।